So good afternoon, everybody, and welcome to this awesome webinar, which is on a very important topic. And the topic is communication skills. I'm fortunate enough that I've been teaching this specific subject as well as training people on this from past two decades. And my observation is that out of thousands of words you would have heard in English dictionary, the world's most powerful word is communication. Communication is so deep, is so in-depth, that if you start working on communication skills, slowly and gradually it will become your superpower. You'll get supercharged to observe society on this basis, and then you will end up making less mistakes. Agar hum communication skills par kaam karenge, to slowly and gradually communication skills will become so powerful with us that we'll start observing society on the basis of the rules of communication. To me, this specific word communication, when I've understood this word, 15 years ago, to me it was an eye-opener. Mujhe aisa laga ki duniya aise bhi chalti hai, ऐसे भी काम होते हैं, लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी बात की जा सकती है, क्या बात ऐसे भी की जा सकती है बिना इन्वॉल्व हुए? अगर मैं बिल्कुल सीधा बैठ के आपसे बात करता रहूं और यूं सिर हिलाता रहूं और सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से बोलूं, ऐसे भी बात हो सकती है, और बात ऐसे भी हो सकती है वेयर आई बीन मूविंग हैंड्स, पर्सोनिफाइंग माई वर्ड्स, यूजिंग माई जेस्चर्स टू कंट्रोल द कम्युनिकेशन. तो जो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन, इसमें बच्चों आप बहुत सारी चीजें सीखोगे. द ड्यूरेशन इज 55 मिनट्स टू 60 मिनट्स, एंड आई बिलीव दैट यू विल एंड अप बिकमिंग वेरी गुड कम्युनिकेटर्स. एंड दिस इज स्टेज वन ऑफ कम्युनिकेशन, द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. पर इसको ही सीखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं कितना ज्यादा कामयाब हो सकता हूं, मैं कितना कम कामयाब हूं, मैं कितना आगे बढ़ सकता हूं लाइफ में. तो अब मैं आपको कुछ अपनी स्लाइड्स दिखाऊंगा, कुछ कंटेंट दिखाऊंगा, एंड फ्रॉम दैट कंटेंट यू कैन जज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कम्युनिकेशन इज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वर्ड. इस दुनिया में अगर हजारों शब्द हैं तो टॉप पे सबसे मजबूत और पावरफुल दावेदार है कम्युनिकेशन. मैं आपको अपने कंटेंट की तरफ लेके जा रहा हूं और कंटेंट स्टार्ट करेंगे कि आप लाइफ में कुछ भी करें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा काम हो, पर उसमें आपके स्टैंडर्ड्स नीड टू बी शोकेस्ड, वो नजर आने चाहिए. आप अगर एक कुर्सी पर भी बैठते हैं तो आप कम्युनिकेट करते हैं. अगर आप एक कुर्सी पर बैठे हैं तो आप अपना एक इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं, आप अपना एक स्टैंडर्ड छोड़ के जाते हैं. तो हमारा बिलीफ है रेज योर स्टैंडर्ड्स ऑफ डूइंग थिंग्स, तो आपकी लाइफ इस पिक्चर की तरह हो जाएगी कंप्लीटली रिलैक्स्ड. आपको पता चल जाएगा लाइफ में कि आप कितने फ्लॉज, कितने फॉल्स लाइफ में कर चुके हैं, व्हाट मिस्टेक्स यू कमिटेड इन द पास्ट. जो आज आप लर्न करेंगे और अपनी प्रेजेंट लाइफ में और अपकमिंग लाइफ में यू विल टेक प्रॉपर मेजर्स बिफोर कमिटिंग द एरर्स. सो लेट्स कम टू स्लाइड नंबर वन. ये सेशन एट अ ग्लांस है, विल कवर अप टेक अप 9 पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज व्यूज ऑफ स्टीव जॉब्स ऑन कम्युनिकेशन. सेकेंड पॉइंट इज प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियाज रूल ऑफ कम्युनिकेशन. थर्ड पॉइंट है द कम्युनिकेशन प्रोसेस. फोर्थ पॉइंट है कॉज ऑफ अ फेल्ड लाइफ. फिफ्थ पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग इन द क्लास, बच्चे कैसे उसे कर सकते हैं.
सिक्स्थ पॉइंट है हाउ टू थिंक लाइक अ कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर की तरह सोचा कैसे जाता है। सेवन पॉइंट है पर्पस के साथ जिंदगी कैसे जी जाती है, कि कम्युनिकेशन आपको सिखाती है। एट पॉइंट इज द लर्निंग कर्व एंड नाइन्थ पॉइंट इज क्लोज टू कॉन्टेक्स्ट विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन द लास्ट स्लाइड। लेट्स कम टू स्लाइड नंबर वन। लव होल्स वंस सेड फ्रेंड्स इट इज नॉट द लोड दैट ब्रेक्स यू डाउन, इट्स द वे यू कैरी इट। द लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल इफ यू नो हाउ टू लिव इट। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी में बहुत खूबसूरत लोग हैं। दिस इज नो कॉम्पिटिशन इफ यू नो पीपल्स मैनेजमेंट, इफ यू नो चेंज मैनेजमेंट, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू नो कम्युनिकेशन। सो इट्स नॉट द लोड दैट ब्रेक्स यू डाउन, इट्स द वे यू कैरी दैट लोड। कंप्लेन्स तभी आती हैं जब हमें प्रॉब्लम में से निकलने के तरीके नहीं आते। मुझसे जब कई लोग पूछते हैं ना, सर मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने एक बड़ा सा जवाब देता हूं। आई ऑलवेज टेल इट देम, इंक्रीज योर ऑप्शंस। एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन कभी भी नहीं होता, बट जस्ट बिकॉज वी डू नॉट नो मोर सॉल्यूशंस, वी स्टिक टू वन प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन एंड देन वी सफर। बट वंस विल बिकम अ कम्युनिकेटर विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग the power of communication, the way it can sort all your problems. एक बड़ी अच्छी बात है जो मैं बच्चों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट थिंग इज, बच्चों आप जरा सोच के देखिए, एवरी ह्यूमन बींग इन दिस वर्ल्ड इज हैविंग 24 आवर्स, सबके पास 24 घंटे हैं। इन स्पाइट ऑफ इट, इट हैपन्स दैट देयर आर सर्टेन पीपल, those who are far, 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 far more successful than others. You know what is the reason behind it? The reason is they understand communication skills at an early age. Under the same set of circumstances, there are certain people, those who break records. And there are others, those who break themselves. And the reason is communication. So it is not the load that breaks you down, it's the way you carry that load. Let's move on to the slide number two. Steve Jobs, the founder of Apple Computers. ये बात सबको पता होगी कि Steve Jobs was running Apple Computers. Am I right on this? Steve Jobs, अब बड़ी important बात है जो मैं आपको Steve Jobs के माध्यम से समझाना चाहता हूं। एप्पल कंप्यूटर इज वर्ल्ड यू नो टॉप कंपनी इन फॉर्च्यून 500 कंपनीज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, एप्पल कम्युनिकेट्स। और कैसे करते हैं मैं आज आपको समझाता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे अच्छे मोबाइल फोन्स किस कंपनी के हैं, तो आप कहेंगे सर एप्पल के। सबसे अच्छे लैपटॉप्स किस कंपनी के हैं, तो आप कहेंगे सर मैकबुक फ्रॉम एप्पल। तब बड़े ध्यान से आप बात सुनिए, एप्पल कैसे कम्युनिकेट करता है। एप्पल मेक्स वर्ल्ड्स बेस्ट मोबाइल फोन्स फ्रेंड्स, एंड एप्पल इज नॉट अ मोबाइल कंपनी, इट्स अ कंप्यूटर कंपनी। बीइंग अ कंप्यूटर कंपनी, दे मेक वर्ल्ड्स बेस्ट मोबाइल फोन्स। इट इज सो बिकॉज they have mastered the art of communication. A government school ka bachcha class mein jaake concentration focus ke saath padhta hai, he comes out with flying colors. You know why? Because he has mastered communication. To Steve Jobs ke views kya the communication ke upar? He used to say that communication is a profession of all the professions. इस दुनिया में अगर कोई profession है तो वो है communication. इस दुनिया में अगर कोई subject है तो वो है communication. So communication is the profession of all the professions, and communication is the subject of all the subjects. अब जिंदगी भर याद रखिएगा, if the teachers are listening to me,
आपका प्रोफेशन टीचिंग नहीं है, आपका प्रोफेशन है कम्युनिकेशन। आप सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते, आप क्लास में जाके कम्युनिकेट करते हैं, एंड दैट विल अंडरस्टैंड टुडे इन दिस वेबिनार। नेक्स्ट पॉइंट स्टीव जॉब्स क्या कहते थे, वो कहते थे इफ बिकमिंग अ कम्युनिकेटर वुड हैव बीन दैट सिंपल, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड वुड हैव बिकम एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। सब लोग नहीं होते, ओनली 1% पीपल दे बिकम कम्युनिकेटर्स एंड देन दे आर एम्प्लॉयर्स, देन दे आर सक्सेसफुल पीपल, देन दे आर लिविंग लेजेंड्स। सो इट इज नॉट ईजी टू बिकम अ कम्युनिकेटर, बट येस इफ यू कीप वर्किंग ऑन द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यू स्टार्ट रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स टू अपलिफ्ट योर पोटेंशियल, यू स्टार्ट ब्रशिंग अप योर बिलीफ सिस्टम वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन। So, इन तीन पॉइंट्स के साथ आई विल मूव ऑन। फ्रेंड्स, 1964 में प्रोफेसर अल्बर्ट मेहरबिया, जिनकी पिक्चर स्क्रीन पे है, इन्होंने एक रिसर्च किया और रिसर्च में का मीडियम था, बेस था कि क्यों ऐसा होता है कुछ बच्चे, कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, दे हैव नेवर बीन टू द स्कूल, दे हैव लेस स्टार्टेड, दे आर लेस फॉर्चुनेट, दे आर नॉट फ्रॉम गुड फैमिलीज बट दे कम आउट एज सक्सेसफुल। और कुछ बच्चे होते हैं, दे आर फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज, दे आर मोर फॉर्चुनेट एंड स्टिल दे आर यू नो लेस सक्सेसफुल। ये टग ऑफ वॉर था बिटवीन मोर सक्सेसफुल एंड लेस सक्सेसफुल पीपल, क्यों ऐसा होता है। तो प्रोफेसर अल्बर्ट मेहरबिया ने कंक्लूड किया, इसका बेस है जो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स जानते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द पोटेंशियल, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं जानते हैं, दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट देयर वीकनेसेस, सारी जिंदगी वो अपनी वीकनेसेस को ही मीडियम बना के जिंदगी जीते हैं, एंड अल्टीमेटली दे से द वर्ल्ड इज द बैड प्लेस टू लिव इन। सो प्रोफेसर अल्बर्ट मेहरबिया से जब पूछा गया कि सर कम्युनिकेशन है क्या, वो कहते कम्युनिकेशन है जस्टिफिकेशन ऑफ योर प्रोफेशन। तुम जिस प्रोफेशन में हो ना, वो तुम्हारे स्ट्रक्चर से, तुम्हारी आभा से, तुम्हारे बात करने के तरीके से, तुम्हारे खड़े होने के तरीके से नजर आना चाहिए। इफ यू आर अ क्रिकेटर, यू शुड बी स्लिम, यू शुड बी एंथुजियास्टिक, यू शुड बी परसिस्टेंट। If you are a teacher, you should be presentable, you should have a likable personality, you should know, you know, the concepts thoroughly so that you can clarify everything to the students. The professor Albert Mehrabian ne kaha ki agar aap apne profession ko justify karte hain and you love your profession, you are a communicator. To unse logon ne pucha, sir iski koi definition to hogi? To unhone do bahut pyari definitions di. पहली डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है, द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आप ऐसे सेंड करेंगे जैसे आप खुद रिसीव करना चाहते हैं। वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल, ग्रास्पेबल, अंडरस्टैंडेबल, सुन के अच्छा लगे, अरे वो ये तो बड़ी अच्छी बात है, जिसमें ये ना लगे कि आई हैव टू अप्लाई टू मच ऑफ ब्रेन मूविंग इन टू इट एंड देन यू हैव यू नो आई अंडरस्टैंड। Einstein used to say, the best teacher is one who can simplify his classes for a person with a housekeeping department, even he can understand what is going on in the class. So simplified. तो बच्चों को ना अच्छा लगता है, oh come on. एक डॉक्टर है, अपने मरीज को इस प्रकार देखता है कि वो उसका बेटा है, वो उसकी बेटी है, तो 80% मरीज तो उनके बिहेवियर से ठीक हो जाता है। And if he's a money-mincing doctor, फ्रेंड्स, जो कम्युनिकेशन आपकी देख रहा होता है वो सब जानता है, ये पब्लिक है फ्रेंड्स, ये सब कुछ जानती है। इफ यू आर जेन्युइन, इफ यू आर जस्टिफाइंग अ प्रोफेशन, व्हेन यू नो यू आर जस्टिफाइंग अ प्रोफेशन, पीपल नोज इट। व्हेन यू नो यू आर नॉट जस्टिफाइंग अ प्रोफेशन, पीपल नोज इट एंड देन यू कैन नॉट प्रूव इट। एक बच्चा है, सारा दिन वो टाइम वेस्ट करता है, बाहर गलियों में घूमता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, सारा दिन मोबाइल फोन पे लगा रहता है,
एंड देन ही सेज मेरे मार्क्स नहीं आते, मेरी क्लास में बच्चे मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बिकॉज ही इज अनएबल टू जस्टिफाई हिज यू नो हिज स्टूडेंट लाइफ. सो कम्युनिकेशन इज सो इन डेप्थ. सो पहले मैं एक पॉइंट जो बता रहा हूं आपको वो है, ये है कि एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऐसे दीजिए जैसे आप रिसीव करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में आप वो सब कुछ दीजिए जो आपको लगता है कि किसी को जो मेरी बात सुन रहा है उसे वो चाहिए होगा. एंड देन अ रेवोल्यूशन स्ट्राइक इन टू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज बिकम अ बेटर प्लेस आफ्टर इट. इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करूंगा, इट्स अ लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला. सब बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं ऑन फेसबुक लाइव ऑल अक्रॉस, वो बड़े ध्यान से सुने, ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी बदलने वाला है. आज अगर आपको लगता है दैट यू आर स्कोरिंग 70% मार्क्स एंड यू वांट टू स्कोर 95% एंड अबव, पे अटेंशन टू दिस फॉर्मूला. अगर आप सम करें 7, 38 और 55 को, इस समिंग अप है 100%. एम आई राइट ऑन दिस? 100%. सो 7, 38, 55. और मैं आज टीचर्स को ही बताना चाहता हूं कि इट्स एन आई ओपनर फॉर मी 15 इयर्स अगो. और आज भी जब मैं इस फॉर्मूला को सोचता हूं बैठ के, यू नो मेंटली आई स्टॉप. ये आपके प्रोफेशन के लिए, ये स्टूडेंट लाइफ के लिए, ये किसी भी दुनिया के प्रोफेशन के लिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. आपकी जो कम्युनिकेशन है फ्रेंड्स, उसके दो पार्ट्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल. वर्बल है वर्ड्स. इस टाइम मेरे वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं और मेरे एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे हैं. तो जो मेरे वर्ड्स हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन है, और जो मेरे एक्सप्रेशंस हैं, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरा हाव भाव है, वो मेरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ ना बोलूं और ऐसे करके बैठ जाऊं, तो मैं नॉन वर्बली आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं. मैं कई बार बहुत सीनियर ऑफिशियल से मिलता हूं, दे आर सो बिजी, उनके पास टाइम नहीं होता मिलने का. जब कहो ना गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, तो नॉन वर्बली वो बहुत कुछ कन्वे कर देते हैं, आई डू नॉट हैव टाइम. तो 7% है आपके वर्ड्स जो आप बोलते हैं, और रेस्ट 38 + 55 इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इट्स एन आई ओपनर फ्रेंड्स. जो आपके शब्द हैं वो आपकी जिंदगी में सिर्फ 7% आपकी उपलब्धि में आपकी मदद करते हैं, और 93% है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आपका स्ट्रक्चर, क्या आपकी प्रेजेंटेबल बॉडी है, क्या आपका प्रेजेंटेबल चेहरा है, क्या आप अपने प्रोफेशन के लिए ड्रेसअप होते हैं. आप जो 38% है वो है आपकी टोन, जिस प्रकार से आपके वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं. टोन, इट्स नॉट वर्ड्स, टोन. यू कैन से बिग वर्ड्स इन अ स्मूथ टोन. समटाइम्स यू स्पीक मोर एंड कन्वे लेस, एंड समटाइम्स यू स्पीक लेस एंड कन्वे मोर. When tone is powerful, when tone is polite, जब मेरी बात बड़े ध्यान से आपने सुननी है. मैं कुछ मदर्स से पेरेंट्स को जब काउंसलिंग करता हूं तो वो कहते हैं कि हमें अपने बच्चे को डांटना पड़ता है. फ्रेंड, मेरी बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप बार बार अपने बच्चे को डांटेंगे, स्क्रू करेंगे, a day will come very soon when he'll stop listening to you. और आप 38% अपने टोन पोलाइट रख के उसे बड़ी बात कहें. टीचर्स को भी इंस्ट्रक्शन है ये कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आपकी बात नहीं सुन रहा, बहुत नोटोरियस से क्लास में बहुत शोर मचा रहा है, उदम मचा रहा है, इज नॉट पेइंग अटेंशन टू टीचर्स लेक्चर्स, आपने डांटना नहीं है. मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट, स्टर्न माउथ एंड सी द राइट वर्ड्स पोलाइटली.
जो वो इम्पैक्ट है दैट इज गोइंग टू रिमेन ऑन हिज ब्रेन फॉर एवर. जब हम शाउट करते हैं ना वी गो आउट ऑफ कंट्रोल, और लोग सब जानते हैं ये खुद के कंट्रोल में नहीं है. सो देयर इज नो नीड. मैं फिर बता रहा हूं, जब भी किसी को बात समझानी है और वो व्यक्ति बात नहीं समझता, ये घर में भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, आपने यू हैव टू गिव हिम अ कंप्लीट आई लुक, आई टू आई कॉन्टैक्ट, एंड देन यू हैव टू कीप योर फेस टर्न एंड से दैट बिग वर्ड पोलाइटली. इफ यू वोंट स्टडी यू वोंट गेट सक्सेसफुल इन लाइफ, एंड दैट्स फॉर श्योर. Rather than shouting and making mess of your personality and making yourself, you know, non-listenable to the student or the person who is next to you. 7% are your words, 38% is your tone, and 55% is your structure. Friends, you should be presentable. मैं जब sales executives को पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा वो बिकेगा. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड यू वोंट गेट सेकंड टाइम टू पुट द फर्स्ट इंप्रेशन. सो आप जो लोग आजकल अगर ऑब्जर्व करें, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, इतना कुछ करते हैं, प्रोफेशनल्स, दे आर डूइंग इट फॉर देयर 93% कम्युनिकेशन, एंड दैट्स व्हाई they all are successful. So rule of communication is 7% communication is verbal, words, and 93% communication is non-verbal. 7% can be your words when you're writing papers, and 93% is the way you are expressing those things. मैं जब एमए इंग्लिश को पढ़ाता था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और जब मैं इंग्लिश ऑनर्स को पढ़ाता था, तो यू नो वी हैव मास्टर्ड सर्टेन एक्सप्रेशंस इन ऑर्डर टू लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन अपॉन द स्टूडेंट्स, दोज हु वर लिसनिंग टू अस. तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, व्हेन यू आर पोलाइट इन टोन एवरीथिंग साउंड्स अंडर योर कंट्रोल, एंड व्हेन यू आर इम्पोलाइट, हूसोएवर ही शी यू नो द पर्सन मे बी, इफ इज इम्पोलाइट he's a bad communicator, and that means things are going out of his control. 7, 38, 55. Let's move on. आप जरा बड़े ध्यान से देखिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये, कहीं का भी हो सकता है, ये घर का भी हो सकता है, ये आपकी क्लास का भी हो सकता है, ये बच्चे जो इसको सुन रहे हैं, ये उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस एट होम भी हो सकती है, स्कूल क्लासेस भी हो सकती है. बड़े ध्यान से बच्चों आपने देखना है, टीचर्स आपने देखना है. यहां पर The first point is source. Source is the person who is delivering that message. Today I am the source. Mera message kya hai? It's communication skills. It's in English as well as Hindi. It's bilingual. I believe on message rather than the medium. Jab main apne message ko English Hindi mein encode karta hoon, और उस मैसेज को डिलीवर करता हूं चैनल विच इज इंटरनेट एंड वेबिनार, तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं और मेरी बात को समझना चाहते हैं, इट्स अ टू वे प्रोसेस नाउ कम्युनिकेशन. मैं तो अपनी तरह से सब कुछ दे रहा हूं, बट देर आर सर्टन पीपल, इफ दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, इफ दे आर अनएबल टू फोकस, If they are talking here and there to others, हाँ कभी कभी देख लिया चल रहा ठीक है ठीक है. So they are unable to understand what is going on here. तो encoding teacher तो कर लेता है, but for students decoding तभी होगी जब आप class में attention pay करोगे, जब आप उन बच्चों का साथ छोड़ोगे जो बच्चे they are not focused about their goals in life. और जैसे ही आपने teacher के message को decode किया, आप उस मैसेज को रिसीव करते हैं और अपने मार्क्स, अपने बिहेवियर, अपने एटिकेट्स, अपने हेयर स्टाइल, अपने बॉडी स्ट्रक्चर से आप फीडबैक देते हैं. ये देखिए फीडबैक जा रहा है बैक टू द टीचर विच इज स्कूल. अभी एक बच्चा है क्लास में,
बहुत गरीब खानदान का बच्चा है, यू ही कम्स फ्रॉम अ यू नो वेरी लिटिल बैकग्राउंड, ही इज नॉट फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, वो बहुत ध्यान से क्लास को सुनता है, वो टीचर्स के मैसेज को बहुत प्रॉपरली डीकोड कर लेता है. यू नो व्हाट विल हैपन, वो एक ऐसा फीडबैक देगा टीचर्स को, ही विल कम आउट एज सीबीएसई टॉपर. अभी मैं एक बच्चे से मिला, इट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो आर लिस्निंग टू मी, एंड दैट गर्ल लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस और वो सीबीएसई नेशनल टॉपर है सेकेंड रैंक. तो मैंने उससे पूछा, मेरे को बच्चे आप इतने मार्क्स कैसे ले आए, 498 मार्क्स आउट ऑफ 512 एंड दैट टू इन आर्ट्स. तो उसने कहा सर कि मुझे ना एक प्रोसेस पता है, तो कभी किसी हमारे स्कूल में आके ना वो प्रोसेस हमें समझाया था. तो मैंने कहा बेटा क्या प्रोसेस था वो, तो देन शी टोल्ड मी दैट देयर वाज अ पर्सन हु टॉट अस कम्युनिकेशन प्रोसेस. और कहती है सर उसको मैंने दिमाग में बिठा लिया, जो मैं स्कूल में करती थी उसे कॉन्सेंट्रेशन से सुनती थी, टीचर्स की रिस्पेक्ट करती थी. मैं कहती थी मेरी टीचर्स कितनी ग्रेट हैं कि एक बार में 50-50 बच्चों को पढ़ाती हैं एक क्लास में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर घर जाके दे हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क एज वेल. कहते मैंने इतनी रिस्पेक्ट अपनी टीचर्स को दी, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट मैंने अपनी किताबों को दी, उतनी रिस्पेक्ट मैंने खुद को दी. And you know the result is I came out as CBSE topper of 2018 and she lives next to my house. So, bachcho, ye communication process itna important hai. It's a two-way process. Teachers mehnat kar rahi hai, bachcha nahi sun raha. It's nobody's fault then. Ye communication fir miscommunication mein convert ho jayega. Aur encoding karne ke liye I request all the teachers to prepare as many notes as they can. आप जितना ज्यादा नोट्स प्रिपेयर करेंगे हैंड रिटन फॉर योर सेक, यू नो यू विल गेट लेस टायर्ड इन द क्लास, यू हैव टू स्पीक लेस, एंड देन यू नो योर मैसेज आर एक्सट्रीमली पावरफुल व्हेन यू टॉक टू द स्टूडेंट्स. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहता हूं यहां पे टू ऑल माई रिस्पेक्टेड टीचर्स कि मैम जब भी आपने क्लास खत्म करनी है तो एक टर्म मैं आज आपको दे रहा हूं विच यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम यू नो इन द सेशंस ऑनलाइन दैट यू आर कंडक्टिंग नाउअडेज. आपने बच्चों को 5 मिनट लगाकर ये पूछना है कि भाई तुम्हें आज की क्लास का सब समझ में आ गया है. इस टर्म को कहा जाता है पैराफ्रेजिंग, जो आपने सुना वो समझ में आ गया है. अब इस क्वेश्चन से क्या होगा, जो बच्चे क्लास में अटेंशन पे नहीं करते हैं ना, दे विल गेट अ शॉक, यार मैम तो नए तरीके से क्लास पढ़ा रही है, वो ये पूछ रही क्लास में सब समझ आ गया है. एंड वन स्टूडेंट विल स्टार्ट द नेक्स्ट डे, यू कैन पिक एनी वन स्टूडेंट एंड आस्क हिम, बच्चे कल की क्लास की जरा सिनॉप्सिस बताओ मुझे, क्या मैंने पढ़ाया था. फ्रेंड्स मोर इन्वॉल्व यू आर, मोर कमिटेड यू आर, एंड देन यू हैव बेटर रिजल्ट्स. मोर इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू मोर कमिटमेंट एंड बेटर रिजल्ट्स. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर टीचर्स, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर मेंटर्स, फॉर एवरीबॉडी. कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि वेन वी आर डूइंग डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, ऊपर से जब नीचे कम्युनिकेशन देते हैं, तो हमें यह देख के देना चाहिए दैट यू नो पीपल दोज हु आर आउट देयर दे आर लेसर इन इंटेलेक्ट देन व्हाट वी आर, दैट्स व्हाई वी आर एट द टॉप. सो इट हैज टू बी इन ऑल द फॉर्मेट्स, वर्बल, इन ब्लैक एंड व्हाइट, एंड द वे पीपल वॉन्ट्स टू रिसीव इट. इन 21st सेंचुरी हमने पेपर वर्क, हमने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे फ्रेंड्स वी आर डीलिंग विद बीइंग्स, वी आर डीलिंग विद इमोशनल पीपल, ह्यूमन बीइंग्स. सो कम्युनिकेशन की क्लैरिटी का मतलब है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट. अगर कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन की क्लैरिटी रखता है, इट्स अ रेप्यूटेशन, या आपकी unflinching reputation, and nobody can you know destroy your reputation if your reputation is of a clear communicator. Yaar us vyakti se baat karke maza aa jata hai, koi baat aisi nahi hoti jo samajh mein na aaye. There are certain people who speak as fast, like mass communication process mein aise shows hai. No, there's no need. Aapko message pe dhyan dena hai, medium pe nahi, and then you'll sound you know an extremely professional person who knows every in and out nitty-gritties of the profession he is holding. So let's move on, friends. Here's George Bernard Shaw,
a beautiful statement, life-changing statement. The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. मुझे आता कुछ नहीं, मैंने बच्चों को बता दिया, मैंने आपको बता दिया, अब मैं कह रहा हूं, मैंने तो कह दिया अपनी तरफ से, बच्चों को सब समझ में आ गया. The single biggest problem in communication is that you should know, understand, clarify the things first with yourself before the public victory. Private victory is very important. And then, अगर मुझे समझ में आया है तो ये इम्पॉसिबल है कि मैं सामने वाले को उसे ना समझा पाऊं. कभी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि यू आर अनेबल टू कन्विंस द पीपल विद योर एक्सप्लेनेशन विद योर वर्ड्स, तो आप ये लेके चलिए कि वी आर क्रिएटिंग अ मेस्मरिज्म, इल्यूजन, यू नो, विद आवर पर्सनैलिटी दैट पीपल शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग टू अस. नो, सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज द इल्यूजन. भैया मेरी बात को समझ लिया गया. पैराफ्रेजिंग अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ मेनी फ्लॉज वर देयर. एंड फीडबैक इज नॉट फीडबैक फ्रेंड्स, इट्स फीड फॉरवर्ड. एक नया वर्ड आज आपको दे रहा हूं, फीडबैक का मतलब फीडबैक नहीं होता. अगर आपको ऐसा फीडबैक मिलता है कि सर आप थोड़ा तेज बोलते हैं, आप फास्ट बोलते हैं, कभी आपकी बात समझ में नहीं आती है, तो डोंट टेक इट नेगेटिवली. इट्स अ सोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर यू. टेक इट एज अ फीड फॉरवर्ड रादर देन टेकिंग एज अ फीडबैक. सो सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज द इल्यूजन कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मेरी बात दूसरे को समझ में आनी चाहिए. Always ask it to the students. आपको थ्री इडियट्स की बात याद होगी कि मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि मैं अपने सबसे कमजोर स्टूडेंट को क्लास में समझाने की कोशिश करता हूं. तो लिटरेट स्टूडेंट्स दे कैन इजिली अंडरस्टैंड इट, यू नो, ऑन देयर ओन. सो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, ये इल्यूजन है कि हमारी बात लोगों को समझ में आ जाती है या आप लोगों की बात समझ पाते हैं. आपको पता है हम एक बुक एक बार पढ़ते हैं ना, वी कैन ओनली अंडरस्टैंड 20% ऑफ द बुक. अगर हम उसे दोबारा पढ़ते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड ओनली 40% ऑफ द बुक. अगर हम उसे दोबारा पढ़ते हैं हम 50% समझते हैं. चार से पांच बार पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि व्हाट एग्जैक्टली द बुक एंड द राइटर होल्ड्स. सो डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ बीइंग स्लो, स्पीकिंग स्लो, क्लैरिफाइंग योर यू नो कॉन्सेप्ट्स टू द पीपल एंड यू नो क्रिएटिंग अ रेपुटेशन फॉर योरसेल्फ. कम्युनिकेशन इज रेपुटेशन. मैंने कई कार्ड ऐसे देखे हैं, मैं मेंटर से मिलता हूँ, बड़े बड़े सीईओ से मिलता हूँ, उनका कार्ड के नीचे लिखा हुआ है ब्रजेश गुप्ता ह्यूमन बीइंग. तो मैंने पूछा सर ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या था, लकी यू नो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स और मैं ऐसे लोगों को ट्रीट करता हूँ यू नो दैट यू नो वी पीपल आर सेम. तो मैंने कहा सर इसका बेस क्या है, उसका बेस है कहते हैं कम्युनिकेशन. इफ आई एम क्लियर टू माई यू नो एम्प्लॉइज डाउन अंडर, इफ आई एम क्लियर टू माई स्टूडेंट्स डाउन अंडर, रिस्पेक्ट एंड यू नो क्लास करेक्शन, क्लास होल्डिंग, बच्चे आपकी बात सुनेंगे, इट कम्स ऑल ऑटोमेटिकली. लेट्स मूव ऑन. कॉजेज ऑफ फेल्ड लाइफ, बड़ी भ्रांति है फ्रेंड्स. वेन एवर आई यू नो कम टू दिस स्लाइड मेंटली आई स्टॉप. कॉज ऑफ अ फेल्ड लाइफ, लोग जिंदगी में क्यों फेल हो जाते हैं, बिकॉज वो अनइम्पॉर्टेंट बेसलेस चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं एंड थिंग्स विच डिमांड देयर अटमोस्ट अटेंशन वो उस पर ध्यान नहीं देते. आज बच्चों को एक बहुत खतरनाक वायरस विच इज यू नो मोबिलिटी, मोबाइल फोन, वाईफाई, इसे सराउंड किया हुआ, इजी अप्रोच, यू नो एट द प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन गेट एनी थिंग यू वॉन्ट. वो धीरे 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 स्लोली एंड ग्रेजुअली they do not know they are heading towards fiasco, disaster. So cause of a failed life, main jahan pe statement kahunga which is my lifetime statement, isse badhiya statement maine zindagi mein na kabhi kahi hai aur na main shayad kabhi keh paunga. Wo statement ye hai friends, don't let your learning lead to knowledge. Apni learning ko sirf degrees tak simit mat rakhiye. Don't let your learning lead to knowledge. Let your learning lead to action. अपनी लर्निंग को सिर्फ इसलिए नहीं कि okay, मैं कहूं जी मैं एम इंग्लिश हूं, इट मैटर्स लेस, पर मैं उसके बेस पे एक्शंस क्या ले रहा हूं, इट मैटर्स द मोस्ट.
लोग बड़े बड़े स्कूल्स में जाते हैं, हजारों लाख रुपए फी पे खर्च करते हैं, बट स्टिल दे कम आउट एज डिपेंडेंट पीपल। अभी मेरे एक फ्रेंड है, इज एन एम्स पासर, हमेशा मुझे कहेगा 6 महीने बाद, यार मेरी नौकरी लगवा दो। मैं कहता हूँ भाई ऐसा है, यू आर एन एम्स पासर पर्सन, बट तुम मुझसे नौकरी मांगता है? कहते नहीं यार मेरे इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो। यू नो व्हाई? डिग्रीज ले ली बट दे डू नॉट नो हाउ टू यूज दोज डिग्रीज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन। स्टीव जॉब्स वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट और कहते थे मैं 12th तक जितना पढ़ गया हूं, अगर मैं इसको प्रॉपरली अप्लाई कर लूं, इसे एक्शन में कन्वर्ट कर लूं, आई कैन स्टार्ट अ कंपनी दैट नोबडी द वर्ल्ड कैन यू नो इवन मैच। लोग इसलिए फेल होते हैं फ्रेंड सोसाइटी में, दे डू नॉट पे अटेंशन ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट बातों में जितनी मर्जी आप उनसे डिस्कशन करवा लें, बट इंपॉर्टेंट थिंग विल ट्राई टू अवॉइड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव लिसनिंग इन द क्लास, बच्चों के लिए है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बच्चों कोई भी डिस्टर्बेंस डिस्ट्रैक्शन होती है क्लास में, आपको उसे अवॉइड करना है। रिलैक्स पोस्चर्स ऑफ द स्टूडेंट एंड द टीचर शोज इन्वॉल्वमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम बहुत रिलैक्स होकर क्लास सुनते हैं, इफ यू आर इन्वॉल्व इन द क्लास, इफ यू आर इन्वॉल्व द लेक्चर, ये लेके चले कि मैंने अगर लाइफ में डॉक्टर बनना है और आज बायो की मैम एक चैप्टर पढ़ा रही हैं, तो ये मुझे डॉक्टर बनने में कैसे मदद करेगा, तो आप है ना रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होंगे तभी दिमाग में बात जाएगी, तभी एनकोडिंग डीकोडिंग होगी। ऑफर एक्नॉलेजमेंट, टीचर पे बात समझाए, तो ये नहीं आप सारा दिन बैठ के टीचर की मिस्टेक्स चेक कर रहे हैं, ये उसने ऐसा नहीं ठीक पढ़ाया, वो ऐसी गलत कर दिया, ये शी इज अ ह्यूमन बीइंग। आपने जो अच्छा स्टूडेंट है, जो गुड लिसनर है, वो हमेशा व्यक्ति के मैसेजेस देखता है, और जो मिसकम्युनिकेटर है ना, जिसका रास्ता बर्बादी का है, वो मिस्टेक्स चेक करता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैसेज एंड मिस्टेक। अगर आपने कम्युनिकेटर बनना है, जिंदगी स्ट्रेस फ्री काटनी है, तो लोगों के मैसेजेस पकड़ लो, मिस्टेक्स उनके पास छोड़ दो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना बी लिटिल ह्यूमिलेट करने का ना लोगों को मजा आता है, उन्हें लगता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो शायद मैं ज्यादा पावरफुल होगा। नो, इफ यू वॉन्ट टू लिव अ लाइफ लाइक दिस, डी ग्रोथ इज अलॉन्ग विद यू। डोंट चेक मिस्टेक्स ऑफ द पीपल, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर एंड गो फॉर मैसेजेस। पैराफ्रेज मेन आइडियाज, जो मैम क्लास में पढ़ा रही है, मैम ने 5 पॉइंट पढ़ाए हैं, 6 पॉइंट पढ़ाए हैं, डेट वाइज उन पॉइंट को लिखिए और उसे चैप्टर से रिलेट कीजिए कि मैम ने आज मुझे 5 पेजेस का सिनॉप्सिस दिया, तो आपको अच्छा लगेगा क्लास में। और अगर आपने कोई क्वेश्चन क्लास में पूछना है, तो हमेशा आस्क फॉर परमिशन टू क्लैरिफाई कि मैम आई एम हैविंग सम डाउट्स, कैन यू आस्क राइट नाउ और इन नेक्स्ट क्लास। तो टीचर को ऐसा लगता है आई एम टीचिंग द राइट स्टूडेंट्स। बच्चों मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस बच्चे ने अपने टीचर का सम्मान नहीं किया, वो तो कितना बड़ा डिग्री होल्डर बन गया, ही कैन नेवर अचीव यू नो हिज गोल्स इन लाइफ। ऑलवेज 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 यू नो रिस्पेक्ट योर टीचर्स। और मैं तो ये कहता हूं, जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, वो दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अ पर्सन हु कैन नॉट लव हिमसेल्फ, ही कैन नेवर लव अदर्स। Because I am from the family of teachers. My father, he was a great principal. My brother, he's a teacher. My spouse, she's a teacher. My sister, she's a principal. I am from the family of teachers. And I know how much, you know, these corona warriors are working throughout the day. So, agar class mein achha listener banna hai, apne goals achieve karne hai, avoid distraction. Jo bache baat karte hai, please yaar, hum baad mein baat karenge. Let's concentrate, you know, what the teacher is teaching. Relax posture. बड़े ध्यान से मैम की बात सुननी है। ऑफर एक्नॉलेजमेंट्स, मैम की बातों को हाँ या ना में जवाब देना है। पैराफ्रेज मेन आइडियाज, मीनिंग्स निकालिए। एंड आस्क फॉर द परमिशन टू क्लैरिफाई। अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो आई बिलीव यू आर एंटरिंग द रियल्म ऑफ कम्युनिकेटर्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों हाउ टू थिंक लाइक अ कम्युनिकेटर, हाउ टू थिंक डिफरेंटली। जो कम्युनिकेटर्स हैं उनके पास एक
पर्पस है जिंदगी जीने का, उनकी जिंदगी ना पर्पसलेस नहीं। उन्हें लगता है कि यार अगर मेरे पास पर्पस है ना तो मैं स्कूल जाता हूं ना, मुझे पता है मैं स्कूल क्यों जाता हूं, स्कूल क्या करता हूं और स्कूल से क्या सीख के आता हूं। जो छोटे बच्चे हैं, दोज वो आर लिस्निंग टू मी, बच्चों हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ जब आप बैठो तो अपने लाइफ की गोल्स के बारे में बात करो कि पापा मैं स्कूल जाता हूं, मैं 8 घंटे स्कूल में लगाता हूं, मुझे इसका कैसे यूज करना चाहिए, रादर देन स्कूल जाना, मम्मी ने डांट के भेजना, स्कूल से आना, खाना खाना, ट्यूशन जाना, सो जाना। नो, यू शुड नो द पर्पस। अब बच्चे सोचते हैं सर मैं तो अभी छोटा हूं, मैं 6th-7th में हूं, मुझे पर्पस कैसे पता हूं। एडिसन को ये पर्पस तब पता चल गया था व्हेन ही वाज 8 ईयर ओल्ड। और आप जानते हैं एडिसन वेंट टू हिज स्कूल फॉर 3 months ओनली एंड इन्वेंटेड 1024 पेटेंट्स ऑन हिज नेम। पर्पस पर होना बहुत जरूरी है। क्यों आप स्कूल जाते हो, क्यों स्कूल आते हो? इट्स नॉट फॉर यू नो लिस्निंग टू द टीचर्स, इट्स फॉर अचीविंग योर गोल्स। मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूं, पीपल हु लेड देयर लाइफ विद पर्पस, तीन लोग हैं जो मेरे फेवरेट हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, आप इन्हें जानते होंगे, द मैन हु इन्वेंटेड बल्ब। वो कहते हैं मैंने सिर्फ जिंदगी में एक ही चीज बनाई, दैट आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन हु विल एड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। He went to the school for 3 months. और जो elderly लोग मुझे सुन रहे हैं, teachers, principals, I just want to tell you one thing. You know, there is a company called General Electricals, which this person had started, you know, when he grew up as an entrepreneur, and a person who had never been to the school, just with a purpose in his life, he had created a company, General Electricals, जहाँ हमारी खुद की company पिछले 6 साल से ट्राई कर रही है दैट वी गेट एन इनपुट टू स्टार्ट ट्रेनिंग दोस पीपल एंड वी आर नॉट गेटिंग इट। पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्कूल क्यों जाते हैं, आपका क्लास अटेंड करने का पर्पस क्या है, गोल क्या है। नेक्स्ट इज निकोला टेस्ला। ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर और इन्होंने ऑल्टरनेटिंग करेंट बनाया। आज इस बिजली को आप यूज करते हैं, आपको हजारों लाखों मैकेनिकल इंजीनियर्स लाइफ में मिलते होंगे, बट उनके पास एक ही मसला है, रोटी कमाना, रोटी खाना, बच्चे पालना। पर्पस दे डू नॉट नो। अच्छा, वंस यू गॉट द पर्पस ऑफ योर लाइफ, ऑल दीज थिंग्स, मनी, फैमिली, यू नो, लव, ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट्स फॉलोइंग यू, बट विदाउट पर्पस यू हैव टू फॉलो दीज इन द थिंग्स। कहते गुड कम्युनिकेटर्स दे अट्रैक्ट एंड मिसकम्युनिकेटर्स दे हैव टू चेज। सर मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए, सर मुझे नौकरी चाहिए, पीपल दैट डू लाइक दैट बिकॉज़ दे नो दे आर नॉट जस्टिफाइंग व्हाट दे आर डूइंग। सो निकोला टेस्ला, ही इन्वेंटेड ऑल्टरनेटिंग करेंट एंड ही इन्वेंटेड एन नंबर ऑफ थिंग्स, आई डू नॉट वॉन्ट गो इनटू दैट। बट आपने कितने मैकेनिकल इंजीनियर्स ऐसे देखे होंगे जिन्होंने कुछ संसार के लिए किया, दोज हू लेट देयर लाइफ विद पर्पस। ही इज अ मैन हु वॉज बीएससी केमिस्ट्री ओनली, हिज नेम वाज जॉनस साक, who invented polio drops. आज एक pandemic चल रहा है, everybody is stuck at home, you know, because of that virus. इस BSc chemistry आदमी ने यह सोचा कि मुझे अपनी life इस purpose से जीनी है कि संसार में फिर किसी की टांगे दोबारा ना रहे, फिर किसी को crutches पे ना चलना पड़े। He invented polio vaccine. What's your purpose in life, friends? Teachers का purpose क्या है life? And there are a number of people like this. जो 1% लोग हैं, कम्युनिकेटर्स हैं सोसाइटी में, जो 7% सिर्फ शब्दों को चरण करते हैं, 93% they work hard, they work on the non-verbal things, and then you know, the private victory becomes a public victory. Let's move on to the next point. इनका नाम है श्री ब्रिज मोहन लाल मंजाल, ये हीरो मोटो कॉर्प के संस्थापक थे। ही हैड स्टार्टेड दैट कंपनी व्हेन ही केम एज अ रिफ्यूजी फ्रॉम पाकिस्तान इन 1949। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी कहानी है, ये कहानी आपको आपके पर्पस की ओर लेके जाएगी। आज इस कहानी ने मुझे मेरा पर्पस दिलाया और एंड आई एम थैंकफुल टू दिस यू नो ग्रेट पर्सनैलिटी फॉर प्रोवाइडिंग मी दैट हेल्पिंग हैंड।
ओके, बात है 2010 की। आई वेंट टू दारूहेड़ा। दारूहेड़ा में एक हीरोमोटो कॉर्प का प्लांट है, तो वहां पे कुछ बच्चे थे जिन्हें हमें प्लेस करना था। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज हैविंग अ कॉलेज, तो कहता है यार आज तू चला जा और उनको प्लेस करके आ वहां पे। तो आई सेड ओके आई विल गो अलोंग विद यू। हम वहां गए तो हमारे 100 में से सिर्फ 20-25 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए। तो जब हम बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए तो द फाइनल मीटिंग वाज विद द एमडी ऑफ द कंपनी। वी मेट हिम एंड एवरीबॉडी वाज यू नो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बट यू नो आई एम अ पर्सन हु इज अ कम्युनिकेटर एंड वांट टू लिव हिज लाइफ यू नो पर्पस। तो मैंने कहा सर आई एम हैविंग क्वेश्चन। ही सेड यस प्लीज गो अहेड आस्क द क्वेश्चन। तो मैंने कहा सर इतना बड़ा एम्पायर आपका है, इतनी इतनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, आप हजारों बाइक्स रोज बनाते हैं, स्कूटर्स बनाते हैं, क्या प्रिंसिपल है, क्या चीज आप फॉलो करते हैं, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है, क्या इनकरेजमेंट है। तो फ्रेंड्स उन्होंने थोड़ा सा कुर्सी से पीछे हुए, एक लंबी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराए। कहते लकी जी हमारा ना 40,000 करोड़ का एम्पायर है हीरोमोटो कॉर्प, और इसके पीछे ना सिर्फ एक ही शब्द है जो हम यूज करते हैं, और वो शब्द है कोशिश। कोई रुकावट आती है मैं अपनी टीम से कहता हूं आज आराम कर लो, कल फिर कोशिश कर। कभी हमारे टेंडर पास नहीं होते थे तो मैं टीम से कहता था 2 दिन रुको फिर कोशिश कर लो। और फ्रेंड्स आज ये मेरे घर का प्रिंसिपल है, मेरे बच्चे, मेरी स्पाउस, दे फॉलोइंग दिस स्पेसिफिक पॉइंट एज एन अल्टीमेट। वो कह ही नहीं सकते कि पापा ये काम नहीं हो सकता। मेरा छोटा बेबी है, हम कई बार उसके साथ वीडियो गेम खेलते हैं टीवी पे, तो कहता पापा मैं इसे क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। मैं कहता रिमेंबर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, कोशिश। तो जब 4 बार वो कोशिश करके बाहर आता ना, he says, पापा ये तो बहुत ईजी था, मैं तो ऐसे ही डरा हुआ था। तो दिस ग्रेट जेंटलमैन had given me an idea in 2010 कि कोशिश से ना, जिसे इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो इट सीम्स यू नो वेरी सब ऑप्टिमल वर्ड, ट्राई नो कोशिश। कभी आपको लगे आप कम मार्क्स आ रहे हैं, कभी आपके लेक्चर सही से प्रिपेयर नहीं हुए, यू आर समटाइम्स अनएबल टू यू नो क्लैरिफाई योर यू नो टॉपिक्स टू पीपल, कोशिश। एंड इट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू मी अक्रॉस फेसबुक लाइव एज वेल। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है फ्रेंड्स। इनका नाम ब्रूसली है एंड ही वॉज असैसिनेटेड। ही बिकेम सच अ ग्रैंड कम्युनिकेटर ऑफ मार्शल आर्ट दैट लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ब्रूसली का एक बहुत सा स्टेटमेंट है, वो कहते थे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम योर सेल्फ, इफ अदर्स कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम योर सेल्फ, इफ अदर्स कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। एंड यू कैन नॉट बीट अ पर्सन बाय वर्किंग 5 आवर्स Who is working 10 hours a day? आप आधा काम करके डबल काम करने वाले को हरा नहीं सकते, तो उनके फॉर्मूलाज थे। तो एक ये एक्रोनिम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है CSCPSH। तो जब ब्रूस ली से पूछा गया कि आप इतने बड़े मार्शल आर्टिस्ट इन योर 20s बन गए, यू विल बिकम अनबीटेबल, तो उनसे पूछा गया कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा मैंने द फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन सीख लिया है, जस्टिफाई The profession you are in। तो कहते क्या आपका फॉर्मूला क्या है, कहते मेरा फॉर्मूला है CSC। फिर CSC फॉर्मूला है चूज अ टास्क, स्टिक टू इट एंड कंप्लीट इट। कोई भी काम जिंदगी में आप पहले उस काम को पकड़ने से पहले 50 बार सोच लीजिए, एक बार पकड़ लिया तो चूज अ टास्क, स्टिक टू इट एंड कंप्लीट इट। हर हाल में याद रखिएगा विजय आपकी हो। Choose a task, stick to it and complete it। आप कभी गैस पे दूध बॉयल करते हैं किचन में, तो हम क्या करते हैं गैस पर दूध को रख के वी स्टार्ट मूविंग हेयर एंड देयर, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। वी हैव चूजन अ टास्क टू बॉयल मिल्क बट वी आर नॉट स्टिकिंग टू इट। हमने एक और टास्क बीच में पकड़ लिया, हम टीवी देख लग पड़े, तो जब 5 मिनट बाद वो वाइट दूध की धार जाती नजर आएगी ना जमीन, ओ ये मैंने क्या कर दिया। यूनिटास्किंग, Choose a task, stick to it and complete it। इसे कहते हैं power of single handling।
एक बार में एक काम. द वर्ल्ड बिलोंग्स टू पीपल हु लव सीएससी एंड दे बिलीव इन पावर ऑफ सिंगल हैंडिंग. You know, I've learned the formula in life. Happiness is all about adding quality in your life, not quantity. The quality of tabhi add karenge when you focus on power of single handling. No multitasking, unitasking and solo tasking. This learning curve is for everyone. Jab aap life mein aage, to hamesha you will see obstacles. बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है, टीचर्स के लिए भी है, एंड ऑल द पेरेंट्स दोज हु आर लिसनिंग, दोज हु आर प्रोफेशनल्स इन द फील्ड, इन डिफरेंट फील्ड, आईटी फील्ड, यू नो एचआर, मर्चेंडाइजिंग, जहां भी आप लोग काम कर रहे हैं, लर्निंग कर्व इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन ओवरकमिंग एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग. फ्रेंड्स, लर्निंग कर्व इस प्रकार है, बड़े ध्यान से आपने देखना है. जब भी आप लाइफ में कुछ स्टार्ट करते हैं, इस पोजिशन पे आप स्टार्ट करते हैं, तो आप याद रखिएगा 6 महीने 1 साल, जब तक आपकी जॉब की एक साइकिल पूरी नहीं हो जाती, मार्च से लेके मार्च 2020 से लेके जब तक मार्च 2021 नहीं आ जाता, आपकी जो मूवमेंट है वो स्लो रहेगी, बिकॉज आपको एक साल में सब पता चलेगा ही कंपनी में क्या होता है. बच्चों के साथ भी ऐसा, जो बच्चा ट्यूशन अवॉइड करके अपने ऊपर फोकस करके, अपने पोटेंशियल पर फोकस करके, अगर लर्निंग कर्व के बेस पे पढ़ेगा, आई एम एश्योरिंग यू स्टूडेंट्स दैट यू आर गोइंग टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. किसी भी काम को आप करोगे, द फर्स्ट थिंग इज स्लो बिगनिंग. पर यहां पे एक वर्ड है, ट्रायल्स. इट विल कीप ऑन ट्राइंग. अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग. यहां पे आप पहुंचेंगे. द मेन थिंग इज ट्रायल्स. ट्राई आपको करना पड़ेगा. अगर आपने ट्रायल छोड़ के ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर लेना, ट्यूशन हम कहते हैं, ट्यूशन क्लास में जाएंगे, तो आप ये देख लो कि आपने अपने दिमाग का सिर्फ 5% से भी कम यूज किया. तो ट्यूशन वो बच्चा जाता है जो इस स्लो बिगनिंग को मैच नहीं कर पाता. जब कोका कोला ने 1885 में कोका कोला बनानी शुरू की थी, तो कोका कोला साल भर में सिर्फ 25 बॉटल्स बेचता था. साल भर में वो कहता था, अरे मेरे बस की नहीं है, मुझे तो कुछ नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ और काम करूंगा, ट्यूशन पढ़ूंगा किसी से जाके. तो आज कोका कोला 80 करोड़ बॉटल्स रोज ना बेच रहा होता. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, हर चीज में स्लो बिगनिंग. नई किताबें लाओ, तब चैप्टर निकालो, टफनेस आएगी. बट कीप ऑन, पेपर काले करते रहो, बैठ सिटिंग लगाओ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, हराओ चीजों को. तू कैसे समझ नहीं आता, मैं तेरे को हराऊंगा. 4-4 घंटे जब आप उसे कंपटीशन दोगे ना, चीजें हारेंगे आपसे. स्लो बिगनिंग, स्टीप एक्सेलरेशन, एंड देन यू विल रीच टू योर प्लेटो, जो आपका गोल है लाइफ. ये लास्ट स्लाइड थी फ्रेंड्स, ये क्लोज टू कॉन्टेक्स्ट है, ये आज की लास्ट स्लाइड है. इट इज नॉट व्हाट यू डू, इट्स हाउ यू डू इट, दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज. कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, डीकोडिंग. इट्स एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इट्स नॉट अबाउट यू नो एजुकेशन, इट्स अबाउट योर लर्निंग. डोंट लेट योर लर्निंग लीड टू नॉलेज, let your learning lead to action. It's a two-way process. Agar teachers mehnat kar rahe hain, student nahi kar raha, it's a miscommunication. Agar teachers kam mehnat kar rahe hain, student zyada kar rahe, again it's a miscommunication. It has to be a two-way process. So close to context, friends, kuch line mein bolunga, which were the lines of Steve Jobs, aur aap bade dhyan sunega. If you are creating and consuming communication consciously, if we are creating and consuming communication consciously, if we are designing our environment at home, at office, at school for the communication, the world does sound a beautiful place. And where understanding would be the norm, I believe that is an idea worth spreading. So today I have shared with you few basics of communication, which were like this.
इज इट टफ टू डू डू दोस थिंग्स? मैं आपको बताया तो हमने क्या क्या कवर अप किया, लेट्स सम अप द सेशन. व्यूज ऑफ स्टीव जॉब्स ऑन कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, प्रोफेशन ऑफ ऑल द प्रोफेशन बट इट्स नॉट ईजी. प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरबियाज रूल ऑफ कम्युनिकेशन, 7% वर्बल, 38% टोन एंड 55% यू नो योर हार्ड एबर बॉडी, आयरन बॉडी. कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडिंग यू नो एनकोडिंग मैसेजिंग डीकोडिंग एंड देन रिसीविंग एंड गिविंग फीडबैक. कॉजेज ऑफ फेल्ड लाइफ, डूइंग अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, यू नो उन चीजों पर ध्यान नहीं देना जो पर्पसफुल है, जिनसे रिजल्ट निकलते हैं, उसमें ताकत लगती है, उसमें एफर्ट्स लगते हैं, उसमें सिटिंग लगती है. एक्टिव लिस्टिंग इन द क्लास, पैराफ्रेजिंग, रिस्पेक्टिंग योर टीचर्स, नोइंग योर पर्पस. मैं बायोलॉजी क्यों पढ़ता हूँ, मैथ्स क्यों पढ़ता हूँ. आप एक बार जान के हैरान होंगे बच्चों, पब्लिक स्कूल्स में स्टूडेंट्स दे गो थ्रू आउट 12th तक पब्लिक स्कूल में जाते हैं एंड दे कम आउट, अबे क्या हाल है, अरे क्या कर रहा है, दे आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश. ये वर्ल्ड लाइफ की वर्स्ट आप देख लीजिए मिसकम्युनिकेशन, नोबडी जजेस इट. जब आप कम्युनिकेटर बन जाएंगे, यू हैव स्टडीड 15 इयर्स इन अ पब्लिक स्कूल एंड स्टिल यू आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, व्हाट द डैम यू हैव स्टडीड. वंस आई हैव बीन टू अ वेरी गुड स्कूल इन दिल्ली, आई डोंट डिस्क्लोज इट्स नेम, इट्स अ वेरी गुड स्कूल एंड आई मेट द टीचर्स ओवर देयर. तो मैंने पूछा, मैम योर स्टूडेंट्स दे वोंट स्पीक हिंदी. शी सेड, सर वी आर यू नो वी आर रनिंग अ missionary school, a convent school, and if they'll move out of school speaking Hindi, so they have not mastered two languages. I'm not saying you should not speak Hindi, but you should be confident with the English. It's a weapon nowadays, friends. Okay, anyways, how to think like a communicator? Purpose. School kyon jata hoon? Subah kyon uthta hoon? Khana kyon khata hoon? Padhta kyon hoon? You should know that. Learning curve, slow beginning, steep acceleration and plateau, and close to context. You have to create communication for everyone. Friends, these were, you know, just the beginning of communication. Isn't it? It's one 10% power of communication. And I hope you have, you know, learned a lot from this session today. So